Hey guys, welcome to Wild Rush. आज मैं आपको जिस सांप से मिलवाने जा रहा हूँ ये पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा जहरीला है। एशिया में जितनी भी ज़्यादा सांपों से डसने की वजह से अमवात होती हैं, ये जो सांप है ये सबसे टॉप लिस्ट में है। इस बड़े रेगिस्तान खतरनाक रेगिस्तान को और इस जड़ी बूटी इस झाड़ी को देख के आप समझ गए होंगे कि मैं किस सांप की बात कर रहा हूँ। यस, वो है हमारा सास केल वाइपर। अभी मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखा सकूँ। ये कैमोफ्लॉज भी हुए होते हैं, इनसे जितना ज़्यादा दूर रहें रहा जा सके उतना कोशिश करें उतना दूर रहें। ये इसमें जो वेनम होता है वो हेमोटॉक्सिक वेनम होता है, ये आपको चंद मिनटों में ही आपका मतलब मौत का सबब बन सकता है। तो हमेशा की तरह मैं इसको विदाउट एनी स्ट्रैप पकड़ूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बार बार कहूंगा कि मैंने कोबरा पे कभी ऐसी बात नहीं की, मैंने कॉमन क्रेत पे ऐसी बात कभी नहीं कही, लेकिन इस सांप के बारे में मैं आपको कहूंगा कि आप जितना हो सके इस सांप से दूर रहें, ठीक है। तो ये जितनी इसकी लेंथ होती है, ये साइज़ में ज़्यादा बड़े नहीं होते, बारीक होते हैं, लेकिन ये जितनी इनकी लेंथ होती है ये अपनी लेंथ से मतलब कि 2 फीट समझ लें कि ज़्यादा की रेंज में ये आप पे अटैक कर सकते हैं सिर्फ नैनो सेकंड में, ठीक है। माइक्रो नैनो सेकंड में आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। और आप समझ लें कि इसका कटा आज तक मैंने नहीं सुना कि इस सांप का जो है इस सांप ने जिसको बाइट किया हो वो बचा हो, ठीक है। तो भाई इस सांप से जितना जा सके दूर है। मैं ये काम किस लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको इनके बारे में अवेयरनेस दे सकूँ, आगाही दे सकूँ, ठीक है। तो पकड़ते हैं इस सांप को, थोड़ा सा मैं आपको क्लोज दिखाऊँगा। ये देखें, ये अपनी बॉडी को कुछ इस तरह से जलेबी की शक्ल में बना लेता है, जिस वजह से इसको जलेबी सांप भी कहते हैं। लेकिन इसका इसको बहुत सारे इलाकों में इसके जो है इसके जहरीलेपन की वजह से डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये जिस रेंज में अभी मेरा हाथ है ये अभी इस पे मेरी तरफ अटैक कर सकता है। तो अभी ये अपनी बॉडी को देखिए, स्केल को अभी ये देखिए थोड़ा ब्रिस्टलिंग करेगा। इसको मैं बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बाहर निकले झाड़ी के ऊपर, ये मुझ पर बड़ी इजीली अटैक कर सकता है। वो देखिए, ओ माय गॉड, जितना ये खूबसूरत है उतना ही ये जहरीला भी है। ये मुझ पर बार बार अटैक कर रहा है, लेकिन इसको नहीं पता कि वाइल्ड रश में ये सब चलता है। ओ भाई, गुस्सा ना करो, मैं जैसे आपको इसलिए करा हूँ ताकि इसकी बॉडी की रिसलिंग मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखिए, ये रात के बस आप डेजर्ट में आपको बहुत आम दिखेंगे। उनका निकालना मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई इसके मामले में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ये झाड़ियाँ जो है इनके कांटों से भरी पड़ी हैं। यस, तकरीबन। सो फाइनली ये देखे जंप कितने कर रहा है। देखिएगा अभी ये अपनी बॉडी को एक जलेबी की शक्ल में करेगा। ये देखे, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक। ये तो मैंने बहुत सारे सास केल वाइपर पकड़े हैं, तो मुझे इससे बड़े साइज का आज तक नहीं मिला। तो मेरे नज़दीक ये समझ लें इसकी जो ज़्यादातर जो इसकी लेंथ होती है वो यही होती है। लेकिन ये देखिए कितना खूबसूरत है। अभी ये बॉडी रिसलिंग करेगा, ये अपनी बॉडी को इस तरह से कुछ रगड़ता है। ये देख, ये तो जिससे आवाज़ पैदा होती है और ये अपना
आगे वाले शिकारी को बोलता है कि जितना हो सके मुझसे दूर रहो, ठीक है। इसमें हेमोटॉक्सिक वेनम होता है, अगर ये किसी को बाइट कर ले, जिसका मतलब है कि आपका जो खून की सर्कुलेशन है वो टोटली तौर पे बंद हो जाती है, जिससे आपकी बॉडी के दूसरे कई जगहों पे खून जम जाता है और आपकी मौत हो जाती है। तो इस सांप से जितना हो सके दूर रहें। ये दिखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन भाई बस मेरे लिए इस सांप से रिलेटेड कोई अल्फाज नहीं है। तो मुझे बहुत खूबसूरत है इसलिए मैं नहीं चाहूँगा किसी को नुकसान पहुँचाएँ, इसलिए मैं इसको एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ दूँगा हमेशा की तरह। मैं नहीं रह सकता सांपों को जो है लिज़र्ड को किस किए बगैर। तो ये देखें थोड़ा मैं क्लोज दिखाऊंगा, ये देखें अभी मुझे ये वॉर्न कर रहा है कि चले जाओ लेकिन किस से मैं करूँगा बेबे, बाय बाय बाय। तो मिलते हैं किसी और जगह पे, किसी और लोकेशन पे, किसी और रेप्टाइल और एनिमल के साथ। देखते रहिएगा वाइल्ड रश।